हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपने मोबाइल फोन में आने वाली जो अनवांटेड एड्स हैं या फिर जो आपको एड्स पॉपअप आपको शो होते हैं जब भी आप अपने मोबाइल फोन की जो स्क्रीन है उसे आप ओपन करते हैं तो आपको जो एड्स शो होती हैं उन्हें आप कैसे आप जो है ब्लॉक या फिर बंद कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको इरिटेट तो करते ही हैं, साथ में आपके मोबाइल फोन की जो बैटरी है उसे अलग से यहाँ पर ड्रेन करते हैं। तो कैसे आप उसे आप जो है ब्लॉक कर सकते हो या फिर बंद कर सकते हो, उसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि इसमें आपको 3 या 4 ऐसे मेथड बताऊंगा जिससे कि आप इसे परमानेंट ब्लॉक या फिर बंद कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इन ऐड को बंद करने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन की जो सेटिंग है सेटिंग को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, आपको उस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक दूसरा प्राइवेसी का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर भी आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको अदर प्राइवेसी सेटिंग एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको एड्स का एक ऑप्शन मिलेगा, एड्स पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन शो होंगे, पहला है रीसेट एडवर्टाइजिंग आईडी और दूसरा है डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी। तो दोनों को यहाँ से आपको जो है डिलीट कर देना है। जैसे आपसे डिलीट करेंगे, इसके बाद आपको बता दूं कि अगर आपको ये जो एड्स का ऑप्शन है सेटिंग में देखने को नहीं मिल रहा है, वैसे तो सभी एंड्रॉइड मोबाइल फोन की जो सेटिंग होती है लगभग सेम होती है, लेकिन अगर आपको ये जो एड्स का ऑप्शन है उसे ढूंढने में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आपको करना क्या है, आपको ऊपर जो सर्च का ऑप्शन मिल रहा है सेटिंग में उस पर जाना है और आपको यहाँ पर एड्स आपको जो है सर्च करना है। तो आपको ये जो ऑप्शन है वो आपको जो है मिल जाएगा, तो आप वहीं से आप ये सेटिंग को आप जो अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरे मेथड या फिर सेटिंग की बात करें तो आपको करना क्या है, अपने मोबाइल फोन में जो आपका क्रोम ब्राउजर है उसमें भी आपको बहुत सारी एड देखने को मिलती है, तो उसे आप कैसे ब्लॉक करेंगे। आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है, उसके बाद आपको सबसे टॉप कॉर्नर पर आपको 3 डॉट ऑप्शन मिल रहे हैं, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक जो है साइट सेटिंग एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एड्स का एक ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले तो अगर ये अलाउ है तो इसे सबसे पहले तो आपको डिसेबल कर देना है। डिसेबल करने के बाद आपको यहाँ पर एक दूसरा ऑप्शन मिलेगा पॉपअप एड्स का, उसे भी आपको डिसेबल करना है। और जो तीसरा है वो है कुकीज का, यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको जैसे आप कुकीज पर आप क्लिक करेंगे तो ब्लॉक ऑल कुकीज नॉट रिकमेंडेड, तो आपको सबसे पहले इस पर टिक करना है। इसके बाद आपको गूगल क्रोम पर जो एड्स आती हैं या फिर गूगल क्रोम के थ्रू जो आपको एड्स शो होती हैं आपके मोबाइल फोन में वो कभी भी आपको शो नहीं होंगी। अब आपको बता दूं कि एक सेटिंग आपको और करनी होती है अपने मोबाइल फोन की सेटिंग में। सबसे पहले आपको सेटिंग पे जाना है, सेटिंग पे जाने के बाद आपको सर्च करना है DNS। जैसे आप सर्च करेंगे DNS को तो यहाँ पर आपको प्राइवेट DNS पे जाना है। प्राइवेट DNS पर जाने के बाद आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन शो होते हैं, तो सबसे लास्ट में आपको जो प्राइवेट DNS प्रोवाइडर आपको जो शो हो रहा है उस पर आपको टिक करना है। और यहाँ पर आपको जो है कि आपको टाइप करना है edgar.dns.com और उसे आपको सेव कर देना है। कुछ इस तरीके से ही आपको जो है उसे सेव करना है। तो इन सभी सेटिंग को अप्लाई करने के बाद आपके मोबाइल फोन को ओपन करते ही जो आपको एड शो होती थी यानी कि जो पॉपअप एड है या फिर जो अदर जो एड है वो कभी भी आपको शो नहीं होंगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने मोबाइल फोन में जो आपको पॉपअप एड या फिर जो एड आपको शो होती है उन्हें आप परमानेंटली आप जो है ब्लॉक कर सकते हैं, उन्हें आप बंद कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिए। अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आपको लिंक और यूजर नेम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।